गुरुवार को राम बारात पूरे वैभव और उल्लास के साथ निकली। कहीं फूलों की बरसात हुई तो कहीं गुलाल उड़ाकर राम बारात का उत्साह वर्धन कर स्वागत किया गया। भवनपुरी से पूजा अर्चना के बाद रथ में श्री राम की झांकी निकली और आगे गाजे बाजे के साथ हरियाले झूमते हुए नजर आए। राम बारात के दौरान कड़े सुरक्षा के इंतजाम देखे और संवेदनशील क्षेत्रों में फोर्स तैनात रही। बड़ी भवनपुरी में श्री रामलीला सभा के पदाधिकारियों ने पारंपरिक तरीके से पूजन किया। खत्री महासभा के अध्यक्ष अनुपम कपूर ने श्री राम की आरती उतारी। इस दौरान सभा के कार्यवाहक अध्यक्ष सर्वेश रस्तोगी, डॉक्टर विनोद पागवानी सहित समस्त पदाधिकारियों ने विधि विधान से पूजन किया। पुरोहित श्री राम की आरती उतारी और जय श्री राम के जयकारे से इसका इलाका गूंज उठा। इस दौरान अनुपम कपूर ने कहा, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने जीवन में आदर्श का पालन किया, इसे समस्त मानव जाति को प्रेरणा लेनी चाहिए। आज 162वीं रामलीला जो हम लोगों यहाँ पे मना रहे हैं, उसकी भगवान श्री राम आज राम बारात के अंदर नगर भ्रमण को निकले हैं। आज बरेली की जनता भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए उत्साहित है और वो सड़कों पर इतनी भीड़ है कि आज मुझे लगता है कि जैसे सारा बरेली भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आया है। हम श्री राम से कामना करते हैं, बरेली की जनता के ऊपर और भारतवर्ष के ऊपर, योगी महाराज के ऊपर, सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री राम। विश्व की ऐतिहासिक 162वीं राम बारात हर साल होली पे निकलती है और इस बार इसका आनंद कुछ अद्भुत है और ये बारात इस बार अभूतपूर्व है। ख़ास करके प्रभु श्री राम की धरती पर श्री राम के आशीर्वाद से जो भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार चार राज्यों में आई है और जश्न से और बढ़ गया है। जय हिंद, जय भारत।